हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे अंदर से बात करें कि जैसे कि लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन होने के कारण कई दुकान तो बंद थे। जैसे कि टाइमिंग था कि 8 से 11 तक ही आप लोगों को दुकान खोलना है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि दुकान बंद होने के बावजूद भी 11 बजे के बाद भी लोग क्या करते हैं, अंदर से सामान दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे को दूसरा टाइप का लग रहा था कि मतलब बाहर से हम लोग जाकर अंदर जा रहे कि घूमने जा रहे थे, तो कि सोचे कि जाते हैं कुछ सामान वान खरीद लेते हैं, फूल देखते हैं कि है कि नहीं। तो जब वहां से नजदीक से गुजरे तो अंदर से आवाज आ रहा था कि कुछ लेना है क्या। तो हम लोग देखे कि अंदर से लगता है अंदर से सब चीज चल रहा है। तो अभी अगर देखा जाए कि सुबह का लगभग 5 बजा हुआ है, थोड़ी देर में हम लोग चाय पीने के लिए निकलेंगे। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ का नजारा। ग्लास लगता है कि किचन में है, इसलिए इसी से काम चलाना पड़ेगा अभी। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कितना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। और यहाँ पर तो आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे और नारियल की कितनी भारी मात्रा में खेती होती है। यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में नारियल का पेड़ पौधा होता है। वहीं अगर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा रूम है। और यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ के जो पेड़ पौधे रहते हैं, इसके इतने भारी मात्रा में कि एक तरफ से जंगल की तरह दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप लोग मास्क देख सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये जो दुकान आप लोग देख रहे हैं, ये ऐसे देखने में लग रहा था कि बंद है, लेकिन जब हम लोग कल या परसों आ रहे थे तो अंदर से बोला कौन है, तो हम लोग लगा कि अरे भाई अंदर से आजकल काम सब चल रहा है। ये जो रूम आप लोग बगल में देख रहे हैं, ये जो घर देख रहे हैं, ये लगभग लेफ्ट साइड वाला ये घर, इसमें लगभग कुछ महीने पहले इसमें मूवी शूट हुआ था और हम लोग गए भी थे इसमें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। और चलिए आप लोग को चाय का नज़ारा दिखाते हैं। चाय का नज़ारा नहीं, चाय हम लोग पीने यहीं पर आते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना एक तरफ से चाय जो सुबह सुबह अभी मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन तब यहाँ मिल रहा है। चाय पी के आने के बाद अभी थोड़ी देर बाद लगभग 9:30 बजे के आसपास आज क्लास होने वाला था, लेकिन पता नहीं अभी तक से तो कोई नोटिस आया नहीं है। तो देखते हैं, नोटिस आता है तो एग्जाम नहीं, क्लास रूम में होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिर से चाय बन रहा है, चाय पीने की आदत है वो अलग से लग गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मसाला होता है, ये एक तरह से मसाला ही है। वहीं अगर बात करें ये तो आप लोग इसको तो जानते ही होंगे कि जो नारियल का ऊपर का होता है वही है, और इसको सुखाया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर बेच दिया जाता है या फिर इसका कहीं यूज किया जाता है। और यहाँ पर आप लोग तो देखते ही है कि कितना नारियल का पेड़ लगा हुआ है। फाइनली हम लोग रूम में आ गए हैं और आज आप लोग को एक कहानी सुनाता हूँ जो कि एक तरफ से बोल सकते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा हंसी टाइप का है। उसमें क्या हुआ था कि जैसे कि कॉलेज में होता है वो इंटरनल टेस्ट होता है, तो इंटरनल जो टेस्ट हुआ उसके बाद हम लोग का जो रिजल्ट आया वो मिला मेरे को। तो मैं क्या किया कि उसको ले मतलब कि देख लिया कि मेरा इतना नंबर आया हुआ है, फिर उसके बाद बाहर निकलते हुए अपना कॉपी चेक करते जा रहा था। तो लगभग कुछ देर चला होगा, 5 मिनट चलने के बाद देखा कि कहीं एक नंबर मिसिंग है। तो फिर मैंने अपने दोस्त से भी बोला, तो दोस्त बोला कि हाँ नंबर तो मिसिंग है, मतलब यहाँ पर नंबर नहीं दिया गया है। तो फिर हम लोगों ने फिर सोचा कि चलो टीचर से बात करते हैं, कि चलो टीचर से बात करेंगे तो वहाँ से नंबर मिल जाएगा, क्योंकि उस पर एक भी मार्क्स नहीं था, नहीं गलत का कटा हुआ था, नहीं कुछ दिया हुआ था। हम लोग सोचे कि चेक करवा लेते हैं। तो जब हम लोग गए वहाँ पर तो उसको बोले कि ये सर थू देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। तो जो उसको दिया तो बोला कि दिया हुआ तो है नंबर। तो फिर हम लोग सोचे कि कहाँ दिया हुआ है भाई। तो जब हम लोगों ने देखा कि हाँ यहाँ पर तो नंबर दिया हुआ है, तो फिर टीचर यही सोच रहा होगा उसमें कि भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी।
तो फिर हम लोग बाद में डिस्कशन किए कि ये आखिर ऐसा क्या हुआ। तो हम लोग देख रहे थे कि जहाँ हम लोग पाना जो था, तब कि जहाँ पर हम लोग उंगली रख रहे थे ऐसे देखने के लिए, वहीं उंगली से ही वहाँ पर जो नंबर दिया हुआ था वहीं पर दब जा रहा था, एक तरफ से छुप जा रहा था। तो हम लोग इधर उधर देख रहे थे कि भाई नंबर नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो टीचर को जो दिया हम लोग थे वो पकड़ लेके, हाँ यहाँ पर नंबर है। लेकिन अब टीचर को लग रहा होगा कि मतलब ये जानबूझकर यहाँ पर जो अंगूठा दबा हुआ है, लेकिन हम लोग जानबूझ के नहीं किए थे। लेकिन वो एक ऐसा मतलब कि अनुभव था जिससे मतलब कि मेरे को काफ़ी हंसी भी आ रहा था और अंदर से लग रहा था कि टीचर क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। इसके वीडियो में हम लोग तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, वैसे भी अभी बड़ा की तरफ से लॉकडाउन चल रहा है, तो कोशिश कर रहा है कि कुछ कुछ वीडियो डालते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।